ये है हमारा एयरटेल रूम, इसमें एक सप्लाई जो आ रखा है कैसे कैसे आ रखा है इसके बारे में बताते हैं आप लोगों को, प्रॉपर बताते हैं, आज दिखाते हैं ये अंदर। ये क्या है? ये एसी भी है, 11,000 वोल्ट के एसी अंदर, यहाँ से गया है उधर पीछे है ट्रांसफार्मर है, 400 KV ट्रांसफार्मर है, वहाँ गया वहाँ से आया है इसके अंदर, ये है ट्रांसफार्मर का इनकमर है, ए सी भी है इसके अंदर आया है, ये ऑन होगा फिर हमारा लोड जाएगा इसके अंदर, दसरा लोड जाएगा, यह एक लोड पूरा है, ये डीजी का है, डीजी आना का, इसमें डीजी का है, ये तो क्या चीज़ है, एमएफ पैनल है, ये एमएफ पैनल है, इसके अंदर डीजी की सप्लाई है, ये लोड पूरा इसी के अंदर है, ये उधर देखा ये कैपेसिटर बैग है, ये कैपेसिटर बैग है, इसका काम क्या हो? लगा हुआ है, इसका काम क्या होता है? इसका काम है वोल्टेज करंट को आगे पीछे ना करके ओपन होगा तो कोई भी गुम्बद चलेगा, उसमें फूकने में चांस है, इसको ऑन करेंगे तो सप्लाई हमारी आगे जाएगा, ये ट्रांसफार्मर है, दो ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर 1 है, ये ट्रांसफार्मर 2 है, इसको ऑन करेंगे, इसके बाद बस कपलर ऑन करेंगे हमारी सप्लाई आगे जाएगा, तो ये अभी ये ऑन है, ये बस कपलर ऑन है, अभी इसको बंद करेंगे, ये वाला ऑन करना पड़ेगा, इसको ऑन करेंगे फिर बस ऑन करेंगे सप्लाई आगे जाएगा हमारी। इसको ऑन कैसे करते हैं? इसको ऑन यहाँ से करते, चार्ज करना पड़ता है, यहाँ से चार्ज करके, अभी ये ऑफ कंडीशन पे है, अब इसको चार्ज करके दिखाएंगे, चार्ज करते हैं इसे मैन्युअली, चार्ज करते हैं इसको, चार्ज करके इसको फिर ऑन करते हैं, ये चार्ज हो गया, ये फ्री हो गया, ये चार्ज हो गया, फिर हमारे इसको ऑन करते हैं यहाँ से, यहाँ लिख उठा चार्ज, हाँ चार्ज हो गया, इसको ऑन करेंगे ये ऑन हो जाएगा, अभी इसको डिस्चार्ज कर दो, ऑफ। एसी भी जो है 800 एम्पीयर का है, ये MDO है मैनुअल ड्रॉआउट, और जो EDO होता है वो इलेक्ट्रिकल ड्रॉआउट होता है, ये बस कपलर है, अब इसको हम चार्ज करते हैं मैनुअली करते हैं, और जो EDO होता है उसको ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से चार्ज हो जाता है, लेकिन जो MDO है इसको हाथ से चार्ज करना पड़ता है, फिर इसके बाद इसको ऑन करते हैं। ये BPCL हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे देखो जॉब करते हैं आप, यहाँ कितने साल से कर रहे हो? मैं कर रहा हूँ 8 साल से। 8 साल से हो, अभी कौन सी कंपनी में हो? DBG। अच्छा, आदि विकास ग्रुप लिमिटेड।